हेलो दोस्तों, हिंदी ऐसे स्पीच में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी पर निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी हमारे भारत देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी अपने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी की। उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी वकालत की परीक्षा पास की। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन जैसा आंदोलन चलाए थे। आखिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व और कई कोशिशों के कारण देश को आज़ादी मिली। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी जी के पूर्व ही शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे। परंतु गांधी जी ने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिला। महात्मा गांधी जी का जीवन सादगी वाला था। वे विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते थे और खादी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने लोगों की मानवता का संदेश दिया।
दुर्भाग्यवश ऐसा महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1948 को हुआ। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन अनुकरणीय है। आज भी हम उनके आदर्श विचारों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।